क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है सपा? इस बार यूपी में जिस तरह से सपा ने बीजेपी को चकमा दिया है, उससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर जाता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस विश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, जनता ने चुनावी रिजल्ट उस विश्वास के बिल्कुल विपरीत दिया है। चुनाव के पहले जिस तरह से बीजेपी ने पूरे देश को भगवा रंग से रंगने की कोशिश की और जगह जगह जाकर पूरे हिंदू समाज को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया, ये चुनावी परिणाम उसी का नतीजा है। इस देश की जनता ने दो बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से देश की जनता को धर्म के नाम पर लूटा है, उसे कोई भी भूल नहीं सकता। इस बार यूपी में बीजेपी के जिस तरह से वोट परसेंटेज में गिरावट हुई है, उससे साफ पता चलता है कि जनता बीजेपी के झूठे और नफरती राजनीति से परेशान हो चुकी है। अब जनता देश में बदलाव चाहती है और शायद यही कारण है कि इस बार विपक्ष के पार्टियों पर जनता ने विश्वास जताया है। जिस कांग्रेस को बीजेपी के नेता खत्म करने के लिए दिन रात कोशिशों में जुटे हुए थे, वो कांग्रेस आज संसद में सत्ता के सामने मजबूती के साथ अपनी बात रख रही है और बीजेपी के नेताओं को खुला चैलेंज कर रही है। इतना ही नहीं, दिन पर दिन बीजेपी के लिए विपक्ष के साथ अपने पार्टी के ही नेता परेशानी का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद से यूपी की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस इन दिनों हाई लेवल पर है। इस लोकसभा चुनाव में सपा ने अपने पार्टी के नेताओं के साथ पूरी तैयारी से बीजेपी को मात देने में कामयाब रही। वहीं अब यूपी में जल्द ही विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव के लिए सत्ताधारी भाजपा से लेकर सपा बसपा ने अपनी कमर कस ली है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। बता दें कि इस बीच मिल्कीपुर विधानसभा सीट के कुछ दावेदार समेत पदाधिकारियों ने सीएम योगी से अयोध्या में मुलाकात की है। यूपी तक से बातचीत में पदाधिकारियों ने कहा कि मलिकपुर की सीट धोखे से सपा ने जीत ली थी, लेकिन इस बार सभी झूठ साफ हो जाएंगे। पार्टी पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में उतरेगी और हम अपनी रणनीति बनाते हुए मिल्कीपुर को जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में क्षेत्र के मुद्दों को सामने रखेंगे और इस बार प्रत्याशी का चयन निष्पक्ष तरीके से होगा। आपको बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा चीफ अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को फैजाबाद लोकसभा सीट से मैदान में उतारा और इस चुनाव में अवधेश प्रसाद ने जो दर्शन किया, उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने चुनाव में भाजपा के लल्लू सिंह को हराया। फैजाबाद से चुनाव जीतने के बाद अवधेश प्रसाद ने यूपी विधानसभा से इस्तीफा दिया और सांसद पद की शपथ ली। इसलिए अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताने जा रही हूँ जो भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अवधेश प्रसाद को 5,54,289 जबकि लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले थे। इस प्रकार दोनों के बीच हार जीत का अंतर 54,567 वोट था। इन आंकड़ों को भाजपा के लिए बहुत बड़ी हार के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बहुत ही कम वोट मिले थे। आप सामान्य नेताओं को तो छोड़िए, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी को बनारस में खुद इस बार बहुत ही कम वोट से जीत मिली है। अगर इन सभी आंकड़ों पर
नजर डाला जाए तो इस बार बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अभी भी सही समय पर भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही जल्द बीजेपी का भी कांग्रेस जैसा ही हालत होने वाला है। इस पूरे खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश नीति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।